यूपी के बहराइच में दंगे के दौरान मारे गए रामगोपाल मिश्रा को लेकर मुख्यधारा मीडिया ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कथित तौर पर फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट फैलाई। आखिर उन्होंने किस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि रामगोपाल मिश्रा की करंट लगने, तलवार से मरने, नाखून उखाड़ने जैसी क्रूरता से हत्या की गई? क्या इन मीडिया ने मनगढ़ंत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर जानबूझकर ऐसा किया ताकि माहौल खराब हो और जातिवादी लड़ाई शुरू हो जाए? ये सवाल इसलिए है कि खुद बहराइच पुलिस ने ही इसको लेकर चेतावनी दी है। मुख्यधारा के मीडिया में भ्रामक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बहराइच पुलिस ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर मीडिया रिपोर्टों पर चेतावनी दी। पुलिस ने कहा कि बहराइच के हरदी थाना के महाराजगंज कस्बे में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उपदेश से भ्रामक सूचना जैसी मृतक को करंट लगना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस ने आगे कहा कि पोस्टमार्टम में गोली लगने से मौत होना पाया गया है। इसने यह भी कहा है कि एक ही व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस ने आगे कहा, सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें और भ्रामक सूचनाओं को न फैलाएं। बहराइच में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान गोली लगने से 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की मौत सदमे और अत्यधिक खून बहने के कारण हुई। बहराइच के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO डॉक्टर संजय कुमार ने यह जानकारी पोस्टमार्टम जांच के बाद दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतक के शरीर पर 25 से 30 छर्रे पाए गए हैं। इस पर चोट के निशान भी हैं। डॉक्टर कुमार ने कहा कि रिपोर्ट में पता चलता है कि बाईं आंख के आसपास और पैर के नाखून पर गंभीर चोट के निशान थे। उन्होंने वीडियो बयान में भी कहा है कि नाखून नोचने जैसी कोई घटना नहीं हुई है। फिलहाल डॉक्टर का ये बयान आप भी सुन लीजिए, क्योंकि जिस तरह से गोदी मीडिया ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई है, उस हिसाब से ये बयान जो खुद डॉक्टर ने दिया है कुछ मैच नहीं कर रहा है। तीन डॉक्टरों के पैनल ने मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर, पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें उजाड़ने का मामला है, सब बात सुनने के बाद। दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है, पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया है कुछ, संभवतः काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है, नहीं हुआ है, इस डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता। कुछ हैवानियत हुई है सलगता, कुछ हैवानियत जैसे चीज़ है, बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मौके पे जो रहेगा वही बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली हैं, प्लस एक बाएं ललाट पे है वो भी लेसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है, और पैर वाली तो आप बात कर ही चुके हैं, इतना ही चोट है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। शरीर पे काफ़ी चोट के निशान दिए हैं, छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं, पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह के जो हल्ला भ्रांति उठ रही है वो सब गलत। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से, केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का एक तिहाई नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता सकते। तो दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज हैं, सबने देखा है। सर, मौत का स्पष्ट कारण क्या है?
स्पष्ट कारण अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर इस तरह की आधिकारिक रिपोर्ट आई, लेकिन मुख्यधारा के मीडिया में दावा कुछ और किया गया। रिपोर्टों में दावा किया गया कि मृतक को करंट लगाया गया, तलवार से मारा गया, नाखून तक उखाड़ लिए गए, तरह तरह की प्रताड़ना की गई। अब सोशल मीडिया पर इन मुख्यधारा के मीडिया से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन मीडिया रिपोर्ट ने फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। क्या मीडिया रिपोर्ट पेश करने से पहले पुलिस या सीएमओ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कंफर्म नहीं किया गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी ऐसी भ्रामक जो बयानबाजियां की गई गोदी मीडिया के जरिए, उसमें सुधीर चौधरी अकेले ही नहीं थे, अकेले उन्होंने ऐसा दावा नहीं किया था। इसके अलावा हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने भी अपने एक वीडियो रिपोर्ट में ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने भी वही दावे किए जो कि चौधरी अपने शो में कर रहे थे। इसके अलावा न्यूज़ 18 ने अपने एक रिपोर्ट में इन्हीं दावों को दोहराया। इसके अलावा अस्पताल में कथित रूप से तोड़फोड़ करने वाले के खिलाफ कोतवाली नगर में मामला दर्ज किया गया। दोनों समुदाय की ओर से एक दूसरे के खिलाफ तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप में 9 मामले दर्ज किए गए। कुल 11 मामलों में से 13 और 14 अक्टूबर को 2-2 मामले और 15 अक्टूबर को 7 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 4 मामले पुलिस ने और 7 मामले जनता की ओर से दर्ज किए गए। उपद्रव ग्रस्त महाराजगंज में लगातार तीसरे दिन भी मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं बंद रही, जिससे दैनिक जीवन और कारोबार प्रभावित हुए। लेकिन इन सब के बीच अभी भी सवाल उठता है कि आखिर इन दंगों के पीछे हाथ किसका था, और सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी नेताओं द्वारा जो भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही कि सबसे पहले हिंसा फैलाई मुसलमानों ने या हिंसा फैलाई किसी अन्य जाति ने, क्योंकि हम जाति का नाम नहीं लेंगे, हिंसा करने वाले की जात नहीं होती। फिलहाल बहराइच के मामले में अभी इतनी ही अपडेट है, आगे की अपडेट हम देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।